तो आज भी देश के कई शहरों में दूसरी खेप वैक्सीन की पहुंचने वाली है। सीधे लिए चलते हैं आपको मुंबई, जहां से हमारी सहयोगी रेणु चौधरी जुड़ गई है। रेणु, आज का क्या अपडेट? कोविशील्ड की पहली खेप तो कल पहुंच गई है मुंबई। जी कुमकुम, देखिए जो लंबा इंतजार था वो खत्म हो चुका है और मुंबई में पहली खेप जो है वैक्सीन की वो पहुंच चुकी है। और जहां पर इस वैक्सीन को रखा गया उस इमारत की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। हेफ साउथ वार्ड के इसी प्रमुख केंद्र में जो है वैक्सीन जो पहुंचाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा, यहाँ पर उसे रखा गया है। करीबन 5:30 बजे के आसपास वैक्सीन यहाँ पर पहुंची है वैन के जरिए और करीबन 1,40,000 वैक्सीन जो यहाँ पर रखी गई है। महानगर पालिका द्वारा इस इमारत में लगभग कुल 17 कूलर्स जो हैं, कुछ वॉकिंग कूलर्स हैं, कुछ वॉकिंग रेफ्रिजरेटर्स हैं, जिसमें 10 लाख से अधिक वैक्सीन रखने की क्षमता जो है यहाँ पर बनाई गई है। और ऐसे में परेल ये जो है प्रमुख केंद्र अभी माना जा रहा है, क्योंकि जो पहले चरण की वैक्सीन है वो यहाँ पर लाई गई है। ऐसे में मुंबई में सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो 1.25 लाख हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी और उन सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जो इस सूची में सबसे पहले हैं। मुंबई के 8 केंद्रों में लगभग यहां से वैक्सीन जो है पहुंचाए जाएंगे। 4 सरकारी अस्पताल, 4 पेरिफेरल हॉस्पिटल और बीकेसी का जो सबसे बड़ा जंबो सेंटर है वहां से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है। आप नजर रखिए, इस बारे में जो भी अपडेट होगा उसके लिए हम आपके पास आते रहेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।